नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिल्पा गुप्ता। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों के समर्थन में बॉलीवुड के कई सितारों ने अपनी बात रखी है, लेकिन जो रैपर रफ्तार ने हजारों लोगों की भीड़ के सामने किया वो चौंकाने वाला है। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि शोहरत कब सर चढ़ जाए किसी को पता नहीं चलता। कुछ ऐसा ही जाने माने रैपर रफ्तार के साथ भी हो रहा है, लेकिन शायद रफ्तार भूल गए हैं कि किसी स्टार को स्टार बनाने वाले उनके फैंस ही होते हैं। अगर वो रूठ जाएं तो उनका करियर बिगड़ भी सकता है। लेकिन लगता है रोड़े शो के जज और हसल जैसे लोकप्रिय शो को जज करने के बाद उनके सर चढ़कर बोल रही है शोहरत। तभी तो उन्होंने अपने कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से पहले ही फैंस के सामने गाली गलौज शुरू कर दिया। गाली दी बहन के लिए। दरअसल रैपर रफ्तार ने सोमवार को अपने लाइव कॉन्सर्ट में सीए और एनआरसी पर अपनी बात रखी। अपने इस वीडियो में रफ्तार कहते नजर आ रहे हैं कि चाहे आप करियर चले या ना चले, आगे आप खुद सुनिए रफ्तार ने क्या कहा। से पहले एक बात बिल्कुल सीरियसली क्लियर कर रहा हूँ, चाहे कल करियर चले चाहे ना चले कोई दिक्कत नहीं। इतना कमा लिया है कि एंड तक भूखा नहीं मरूंगा। इस इंसान का नाम है अर्शन। ये मेरा ऐसा ख्याल रखता है कि कोई मेरे को धक्का भी नहीं मार सकता। अगर इसको कोई देश से निकालने की बात करेगा ना तो सामने गोली खाऊंगा। चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, सब हमारे भाई है, किसी को भी बाहर नहीं जाने दूंगा। और इसके बाद जो भी मेरे करियर का होता है ना वो तुम खुद देख लेना, मेरे को कोई परवाह नहीं है। अब बातें चालू कर दे, लेट्स गो। रफ्तार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जी हाँ, ये वीडियो एक लाइव कॉन्सर्ट का है जिसमें रफ्तार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बात बता दूं, बिल्कुल सीरियसली क्लियर कर रहा हूँ, चाहे कल करियर चले या ना चले कोई दिक्कत नहीं। इतना कमा लिया है कि एंड तक भूखा नहीं मरूंगा। अरे रफ्तार जी, इस इंडस्ट्री में बहुत आए बहुत गए हैं आप। क्या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जब काम नहीं मिलता तो उन्हें रोड पर आने में टाइम नहीं लगता। पहले तो अपने करियर की इज्जत करना सीखिए, क्योंकि आपके फैंस आपकी गालियों का नहीं आपके अगले रैप का इंतजार करते हैं, और उसी की वजह से आज आप ये बात बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ स्टेज पर कर रहे हैं। दूसरी बात, गाली बहन को दी, उसी बहन को जिसके साथ जब रेप होता है तो आप पैसे कमाने के लिए उस चीज पर गाना बनाते हैं। शर्म करिए, अपने विचारों को रखना है तो तरीके से रखिए। हालांकि आराम से घर बैठकर खाऊंगा, किसी से नहीं डरता कहने वाले रफ्तार आखिर में डर गए और उन्होंने ये ट्वीट किया। इससे पहले लोग कुछ भी कहें और सोचे, मैं स्टेज पर अपनी भाषा के लिए माफी मांगता हूँ। गाली देने में और लड़की की इज्जत करने में फर्क है, गलत तब भी है, उसके लिए माफी। तो आपको रफ्तार का ये रवैया कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें वीके न्यूज़। शुक्रिया।